करके बाद में नशा जिहाद करते हैं, हिंदू युवतियों को नशा देकर उनके साथ सारी शोषण करते हैं और उनको ब्लैकमेल कर उनकी हत्या करते। जी शर्मा जी, आप बताइए, कल आपने छतरपुरा थाने पे प्रदर्शन किया, उसका कुछ? जी, इंदौर के में अब लव जिहाद की ऐसी घटनाएं बढ़ चुकी है कि अब जिहादी मानसिकता के लोग पहले लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद का बलात्कार कर जिहाद करते हैं, बलात्कार के बाद में नशा जिहाद करते हैं, हिंदू युवतियों को नशा देकर उनके साथ सारी शोषण करते हैं और उनको ब्लैकमेल कर उनकी हत्या करते हैं। अभी लगातार बजरंग दल ने इंदौर में ऐसे कितने ही सैकड़ों लव जिहादियों को पकड़कर पुलिस थाने के सुपुर्द किया है, पर जिहादी मानसिकता के लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। हम किसी बहन को इंदौर में श्रद्धा नहीं बनने देंगे, ऐसा बजरंग दल इंदौर विभाग ने लक्ष्य लिया है और किसी बहन को नहीं छत्तीस टुकड़े होने देंगे। अभी कल की घटना है गंगवाल बस स्टैंड पर, जहां पर ओसाम खान एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति हिंदू लड़की को भेला भुसला कर वो यहां पर गंगवाल बस स्टैंड पे एक होटल में लाता है और उसको नशा पाउडर ब्राउन शुगर जैसा नशा करवा कर उसका सारी शोषण करता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जब इनके आपत्तिजनक में देखा और इन दशाखोरी करते देखा और उनसे पूछताछ करी, तो इन जिहादियों मानसिकता के लोगों ने हमारे एक बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर चाकू खोला और उन्हें घायल करा, पर हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। उनमें से उनका एक आरोपी को पकड़ा और उसके स्थानीय समाज के लोगों ने उसकी धुनाई कर उसे थाना छत्तीपुरा के सुपुर्द करा। मैं इंदौर के मध्य प्रदेश सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि नशाखोरी पर एक लगाम लगाई जाए और ऐसे जिहादी मानसिकता जो लव जिहाद को बढ़ाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर इस प्रकार का इंदौर में लगातार लव जिहाद की घटना होती रहेगी तो बजरंग दल इससे भी आगे यहाँ तक जाएगा और लव जिहादियों को उनकी भाषा में ही जवाब देगा। तन्नु शर्मा, बजरंग दल, इंदौर विभाग संयोजक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।